ओसीडी और डिप्रेशन, इसके बारे में बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त चंदे महाराष्ट्र में मूवी पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। ओसीडी का मतलब होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और डिप्रेशन मतलब निराशा। अब ये दोनों जो है बीमारियाँ, ये दोनों बीमारियाँ न्यूरोसिस कहलाते हैं, मतलब न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स है ये, ऐसे कम प्रति की मानसिक बीमारियाँ हैं। मगर ओसीडी ऐसी बीमारी है कि जिसमें बार 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 नकारात्मक विचार आते हैं, बार 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 ऐसा लगता है कि वही वही विचार, दिमाग मतलब एकदम जाम हो जाता है कि वही विचार वही विचार। विचार कुछ भी आ सकते हैं, वो व्यक्ति को मालूम है कि निरर्थक विचार है, इसमें कोई मतलब नहीं है, मगर वो विचार आएंगे बार 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 बार, और वो स्टक हो जाता है, कुछ नहीं कर सकता। फिर विचार ऐसे आएंगे कि अपना हाथ खराब है, मैले हाथ है, या खुद गंदगी मतलब हो गई है आंग के ऊपर तो फिर स्नान करना पड़ेगा ऐसा लगता है, या ऐसा लगता है कि भगवान के ऊपर ही अपन पेशाब कर रहे क्या, ऐसा विचार आता है, या अपने घर वालों के साथ में सेक्स कर रहे क्या, कोई इमेजिनरी ऐसा कुछ विचार आता है। एक मेरे पास में माँ आई थी, उसको लगता है कि अपन अपने बच्चे का गला दबाना चाहिए, बच्चा सोया है तो, और गला दबाऊंगी, ऐसा विचार आता है। मतलब कुछ भी विचार, उठपटांग कुछ भी विचार आएंगे, उसको मालूम है कि ये विचार फालतू है। जो विचारों से बहुत ज़्यादा कोई खराबी होने वाली नहीं है, वो विचारों के ऊपर एक्शन की जाती है। जैसा कि हाथ खराब है ऐसा विचार आया, गंदे हैं ऐसा विचार आया, तो हाथ धोऊंगा, हाथ धोएंगा वो जाके, फिर विचार आया तो फिर जाके धोएंगा। मगर गला दबाने का विचार है तो गला दबाएंगा नहीं, उतना मालूम रहता है उसको कि अपने अपने को गला दबाने का नहीं, विचार आ रहा है वो उसको मालूम है। कुछ कुछ लोगों को विचार आता है कि मैं कपड़े निकाल के बाहर चले जाऊँगा ऐसे नेकेड, तो वो विचार आता है। किसको लगता है कि मैं मेरे सिस्टर के साथ में सेक्स कर लूँगा क्या, ऐसे कुछ भी उठपटांग विचार आते रहते हैं। एक पेशेंट हमारे पास में, उसको बार बार विचार आते कि अपनी जो विष्ठा है मतलब स्टूल्स, वो मैं खा लूँगा। एक्चुअली कभी कुछ उसने खाया नहीं, मालूम है विचार आ रहा है तो क्या करेंगे, कंटिन्यूस नॉन स्टॉप विचार आते रहते हैं। और वो विचारों के ऊपर भी वो कुछ एक्शन भी लेता है, कुछ कुछ विचारों के ऊपर, जिससे कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा खराबी होने वाली नहीं है। अच्छा, अभी 1/3 लोग जो है ओसीडी वाले, 33% अप्रॉक्सीमेटली, उनको डिप्रेशन भी होता है, और डिप्रेशन हो गया तो फिर उसका इलाज करना और कठिन हो जाता है, क्योंकि उनको ओसीडी भी है डिप्रेशन भी है। हालांकि दोनों के लिए दवाई सरीक ही है, दोनों के लिए सेम मेडिसिन देते हैं, मगर ओसीडी के लिए मतलब बार बार विचारों की जो बीमारी है उसके लिए ज़्यादा मात्रा में हम फ्लुऑक्सिटिन देते हैं, क्लोमिप्रेमिन देते हैं, फ्लुवोक्सामिन देते हैं, पैरोक्सिटिन देते हैं, तो वो दवाइयों से उसके ऊपर फ़ायदा होता है। मगर ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यदि उसको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से ट्रीट किया, CBT सम्मोहन उपचार हिप्नोथेरेपी से, बहुत ज़्यादा फायदा होता है। डिप्रेशन रहा तो ज़्यादा मात्रा में यदि हम डेसवेनलाफैक्सीन ये दवाई देते हैं, तो इसके साथ साथ वो भी दवाई देंगे, दोनों कॉम्बिनेशन में तो जल्दी ज़्यादा फायदा हो जाता है। डिप्रेशन के लोगों को ओसीडी होती क्या? यस, उनको भी ओसीडी होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि दोनों सिम्टम मिक्स है, उनको समझता नहीं कि पहले क्या हुआ। तो ओसीडी में मरता नहीं व्यक्ति, मगर इम्पल्सिवली कुछ भी कर सकता है, और इम्पल्सिवली कुछ कर दिया तो उसमें फिर जैसा इम्पल्सिवली उसको विचार आता है कि TV फोड़ देना, विचार आ रहा है, एक आधी बार TV सच्ची फूट जाता है या फोड़ देता है वो, तो ऐसे इसमें दवाई कर दी। और जितना जल्दी दवाई चालू कर देते हैं, जितना जल्दी हिप्नोथेरेपी चालू कर देते हैं, उतना चांसेस अच्छे है कि वो जल्दी अच्छा ठीक हो जाएगा। मगर होता क्या है ओसीडी में, एक तो उसको ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी रहती है पहले से, बहुत ही नीट साफ सुथरा क्लीन नीट वाला व्यक्ति पहचाने जाता है वो, और अपने मन जैसा करना, मैं जैसा बोलता हूँ ऐसा करना, तो एक स्वभाव ही ऐसा है भाई, ऐसा समझ के उसको निग्लेक्ट किया जाता है। धीरे 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 वो स्वभाव का कन्वर्शन बीमारी में होता है, मालूम भी नहीं पड़ता, और फिर जब बहुत ज़्यादा हो जाता है कि एक एक ड्रम पानी लगता है उसको नहाने को, दो दो घंटे वो पूजा ही करते बैठेगा या दो दो घंटे स्नान करते बैठेगा, तब लगता है कि अभी इसका कुछ तो भी इलाज करो भैया, और फिर उसको डॉक्टर के पास में लेके आते, तब 2-4 साल निकल गए रहते हैं। जितना जल्दी आप ये ऐसे उठपटांग विचार आना, ऐसी बीमारी होती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जल्दी उसका इलाज करो, ताकि जल्दी कंट्रोल में आके वो व्यक्ति अपना जीवन नॉर्मली जी सकेगा। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केळकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।